नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लगभग 2000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो अभी लोडिंग चल रहा है। तो हाँ, ये 2000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो एक बार मैं ऑर्डर्स भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके कुछ ऑर्डर्स है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। ये टाइम के साथ है, सुबह 9:25 से लिया था ऑर्डर, लेना हमने स्टार्ट किया था। ये ऑर्डर मैंने बताया था आपको स्प्लिट हो जाता है, ऑप्शन में हमेशा ऑर्डर स्प्लिट हो जाता है दोस्तों। अगर मतलब अगर आप 100 क्वांटिटी भी ले लोगे तो उसमें 25-25 करके चार ऑर्डर दिखाई देंगे। मतलब अगर एक्चुअल में आपका एक ही ऑर्डर होगा तो उसमें चार दिखाई देगा। तो इसी के तहत 22 ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में वो 5 या 6 ही ऑर्डर हमने लिए थे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ पाओगे आप। और हमारा अगर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए कुछ लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। ये निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया है। तो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये कल एक चॉपी मार्केट था, मतलब एक ही रेंज में बना हुआ था पूरा दिन। पूरा दिन मतलब 200-250 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट के बीच ही ट्रेड करता हो। निफ्टी का एक्चुअली होता है वैसा कि 100-150 पॉइंट के बीच में ट्रेडिंग होता है, लेकिन बैंक निफ्टी का यूजुअली मोमेंट मोर देन 500 पॉइंट का होता है। लेकिन कल चॉपी मार्केट था तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि आज एक ब्रेकडाउन या ब्रेक मतलब ब्रेकआउट मिल जाए। तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा भी होल्ड कर लेता है एक कैंडल 15 मिनट का, फिर भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी थे। लेकिन मार्केट ने पहले ही 15 मिनट कैंडल में अपना कल का लो ब्रेक किया और सपोर्ट कहाँ पे फाइंड आउट किया। मैंने दोस्तों बताया था आपको बहुत बार कि मार्केट को अपने पुराने लेवल्स हमेशा याद रहते हैं, कहाँ पे सपोर्ट लिया था, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, कहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई थी, कहाँ पे सेलिंग हैपनिंग हुई थी, सारी चीज़ें मार्केट को याद रहती है और उसी जोन के आसपास मार्केट में वो चीज़ें होती रहती है। तो देख सकते हो यहाँ पे लास्ट टाइम 11 दिसंबर को, शुक्रवार को लास्ट वीक में मार्केट में यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, उसी लाइन के आसपास, उसी जोन के आसपास दोबारा एक बार मार्केट में बाइंग हैपनिंग हुई और एक अच्छा सा W पैटर्न बना के मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि मार्केट अगर अपने कल का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर निकल जाता है तभी यहाँ पे नया ब्रेकआउट या नई बाइंग हैपनिंग हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में अभी दिसंबर के एंड तक, इस महीने के एंड तक कोई बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में अगर जब मतलब जनवरी में फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में थोड़ा सा बाइंग हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत चल चुका है। मैं एक बार आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ठीक से देखिए, पूरा देखिए, तभी आप सारी चीज़ें समझ सकोगे, ठीक है। मैं ये वन डे का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट मंथ से, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 2 नवंबर से अभी एक महीना हो चुका है, लगभग एक महीने इसके ऊपर हो चुका है। 33 या 34 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, मार्केट बहुत चल चुका है। मतलब जो होना था मोमेंट वो हो चुका है नवंबर में। अभी क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा साइडवेज चलेगा, वोलेटाइल होना था तो वोलेटाइल हो चुका है, अभी थोड़ा साइडवेज जाएगा और थोड़ा सा रिकवरी भी हैपनिंग हो सकता है। और जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ पे एक बार रीटेस्ट करके ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट में कभी अपने जो पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होते हैं वो एक टाइम में कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो कब ये मोमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आने वाले वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आने वाले अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आने वाले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, और कुछ कॉल्स रह गए या कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।